हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस आज के ब्लॉग की शुरुआत कपड़ों के साथ करते हैं। तो बस यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके ही रख रही हूँ। मैंने अपनी पूरी अलमीरा जो है ना सेट की हुई थी, तो बस इसलिए जो है वही मैं सही तरीके से ही रख रही हूँ। और हुरैन भी मेरे आगे पीछे घूम रही है। मुझे डर लग रहा है कि पैरों के बीच में ना आ जाए तो उसको लग जाएगी, लेकिन वो नहीं मान रही। बार बार से मैं उसको हटा रही हूँ, लेकिन बार बार से वहीं पहुँच रही, क्योंकि वहीं उसके साइड उसके जो है ना सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो वो निकाल रही है, बार बार से निकाल निकाल के फेंक रही है बाहर साइड में। तो मैं उसको जो है हटा रही हूँ। तो बस फ़िलहाल मेरे जो है ना सारे कपड़े रख चुके हैं, अलमीरा को मैंने सेट कर दिया है। मेरी ये छोटी सी अलमीरा है, बहुत ही काम की है और बहुत ही क्यूट सी मुझे लगती है। तो सच में बहुत अच्छी लगती है मुझे ये, बहुत काम में आई है मेरे। तो वो फ्रेंड की खिचड़ी आ गई है बनके। पहले मैंने इसके लिए हलवा बनाया था तो इस लड़की ने बिल्कुल भी नहीं खाया, और बस नहा धो करके ये सो गई थी। मैंने इसको नहला दिया था सुबह में। ये देखो खिचड़ी की साइड में जा रही है। अभी खिचड़ी एकदम गर्म रखी है। बैठो, दो खिलाएंगे ना। बैठो 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 बैठो, खिलाएंगे खिलाएंगे, ठंडी हो जाने दो अभी। तो यहाँ मैंने हुरैन को टॉयज दे दिए हैं, तो वो अपने टॉयज के साथ में खेल रही है। और बस अभी हम लोग बैठे ही थे तो हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट जा कर के आए, और मम्मी भी आ गई हैं अभी नानी के यहाँ से। तो फिर अभी मम्मी थोड़ा सा आराम कर रही हैं, आराम करने के बाद में फिर हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि आज ना मुझे गोल्ड शॉप पर जाना है। तो वो मैं बताऊंगी आप लोगों को किस लिए। सो गाइस, पिज़्ज़ा खाते खाते अचानक से लुबली बाजी ने हमें सरप्राइज़ दे दिया, और वो यहाँ तक आ गई मुरैना। और बस मुरैना आकर ही जस्ट पीछे से फ़ोन कर रही है कि किसी को भेज दो, तो कोई आ जाएगा और मुझे ले जाए। तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि लुबली बाजी आ रही है और सरप्राइज़ दिया है हमें। अभी मैंने किसी को नहीं बताया है। तो जी, यहाँ पे मैंने कैमरा सेट करके रखा तो है, लेकिन मैंने पापा को बताया नहीं था अभी तक कि मैंने क्यों लगाया हुआ है कैमरा। बेबी देख, मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। रिएक्शन लग रही है बताओ। और ये था रिएक्शन हुरैन का हिबा को देखकर। बेबी बेबी बोलो, बेबी है हुरु, कौन है ये? अच्छा, कैसा लग रहा है? लग रहा है शिवरी वाले जैसा घर है ना? वैसे ही सजा दिया हमने थोड़ा सा। पता नहीं चलता रात हो गई, रात के अंदर के में पता नहीं चलता, क्योंकि टीन डली है ना बाहर साइड, तो इसलिए और नहीं पता चलता। तो गाइस देख, ये मेरे लिए गिफ्ट आया है, लवली वाली मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है, मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो गाइस मेरे लिए गिफ्ट आया है। ओ वाह,
मिठाई आए हैं मेरे लिए। ओ भाई बैंगल भी आए हैं। अरे वाह, हाँ अच्छे लग रहे हैं। पता इस टाइम मैं लेने के लिए सोच रही थी, हाँ मेरे वो वाले छोटे हो गए थे ना, तो मैं सोच रही थी इस टाइप के मैं लूंगी। देखो एक अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, हमारी कैमरामैन बनी हुई है हमारी लवली वाली, उनको ही हम थैंक यू। अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारा गिफ्ट, बहुत अच्छा लगा। वो साइज भी सही है भैया। अच्छा पूरा सिलवा दियो उसको, धोती वाली सलवार सिलवा दियो, बहुत अच्छी लगेगी। धोती वाली, धोती वाली सलवार मुझे कुर्ता ये आयो कपड़ा देख। ये कलर है नहीं, ग्रे कलर का है, पहले था ग्रे कलर, बहुत पहले था, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कौन लेके आया था तुम? मैं ही लेके आई थी, वहीं से मराल के बाजार से। दोनों का सेम है, ऐसे साइन का है, साइन की कढ़ाई अलग है, कलर भी सेम है, ऐसे ऐसे दुपट्टे हुए हैं। अच्छा हिमा नाना से बातें कर रही है अपने। नाना ठीक ठाक हो? आपकी तबीयत पूछ रहे, पूछ रही हो नाना से? नाना तबीयत तबीयत ठीक ठाक है? के बा गली जाते तक नहीं जा रहा आया गली में। और यहाँ पे ये क्या कर रही है? गुरु क्या कर रही है? चिप्स खा रही है। गुरु कुछ खा पी नहीं रही, वो चिप्स खा रही है बस। अच्छा ना वे खा लो, देख लो यहाँ पे हम लोग का नाश्ता चल रहा है, शाम की चाय। मुस्कुरा गई, मुन्नू का खा रहा है जो तुम तो खा लो। भाई बहन देखो इन दोनों का प्यार, पहला भी देख लगी जगह चाय। सो गाइस अभी हुरैन जो है सो चुकी है और अभी बज रहे हैं 8। आज जो है सोई नहीं थी दोपहर में, तो आज खेल खेल के बहुत खेली है आज हिवा के साथ में, और बस सो गई है जस्ट अभी। तो मैंने उसके कान में जो है ना ट्यूब लगा दी है, क्योंकि कान बहुत ज़्यादा खुजली करती है वो, और सोते टाइम बहुत ही ज़्यादा करती है, क्योंकि उसके कान में से जो है ना ब्लड आने लगता है। तो डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया था कि इतनी ज़्यादा खुजली क्यों करती है, तो उन्होंने जो है ट्यूब दिया था हमें लगाने के लिए, वो बोल रहे थे फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे लगता है इसके कान के अंदर कुछ है। और हमने अच्छे खासे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन फिर भी उनको मतलब समझ में नहीं आया, तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था सिर्फ फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि उस टाइम पे इसने जो है ना कान के ऊपर ऐसे ऐसे खुजली कर लिया था, उसकी वजह से जो है ना काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो गई थी इसको, तो उन्होंने सिर्फ ऊपर ही ऊपर देखा, लेकिन कान के अंदर मुझे ऐसा लगता है इसके कुछ है, तो इसी वजह से जो है ना अब कान के अंदर तो उसकी उंगली जा नहीं पाती है, तो इसलिए ये ऊपर ही ऊपर खुजाती रहती है, तो उसकी वजह से जो है ना ब्लड भी निकल आता है और नाखूनों की वजह से हो ही जाता है इन्फेक्शन। तो अभी ट्यूब लगाया है मैंने इसके, तो आराम से अभी सो रही है, तो डेली इसके कान की सफाई मुझे करनी पड़ती है, ट्यूब लगाना पड़ता है, इसको ड्रॉप वगैरह डालनी पड़ती है,
तो अभी तो फिलहाल ये सो गई है, तो थोड़ी देर तक सोएगी, क्योंकि तो आज जो है ना दोपहर में सो रही थी, लेकिन उस टाइम पे लवली बाजी आ गई, सरप्राइज दिया उन्होंने हमें आके। तो फिर जो है ये भाभी के रूम में सो रही थी, भाभी के साथ में, भाभी भी सो रही थी। तो फिर हम लोग अचानक से बस लवली बाजी को जो है ना उनके रूम में लेकर के गए, तो ये उठ गई, फैजान ने उसको उठा दिया था, तो उसकी नींद जो है ना पूरी नहीं हो पाई थी, तो अभी ये सो गई है। वैसे भी इतने टाइम तक ये सो जाती है, एक नैप तो ये लेती ही लेती है 1-1.5 घंटे की। तो अभी देखते हैं, अभी तो सुला दिया है मैंने इसको, तो कितने बजे उठती है। अगर इसको अभी नहीं सुलाएंगे ना, तो फिर ये 10 या 11 बजे के समथिंग फिर से सोएगी, रोती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए सुलाना भी पड़ता है इसको। तो अभी तो फिलहाल सो गई है, चलो लिटा देती हूँ मैं इसको। बाकी सब लोग जो है आगे बैठे हुए हैं। फैजान क्या है ना, इसको बहुत ज़्यादा लाड़ करता है, तो वो ना छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी इसको। तो मैं थोड़ा सा एकांत में शांत जगह पे ले आई हूँ अपने वाले रूम में, ताकि ये थोड़ी देर सो जाएगी तो इसको भी अच्छा लगेगा, वरना बच्चा का सोता नहीं है ना, नींद कच्ची रहती है तो वो चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। तो बस अभी मैं इसको लिटा देती हूँ, चलते हैं आगे। हे भाभी अभी खेल रही है, और सब लोग बस अभी आगे ही बैठे हुए हैं।